अरे भैया बहुत वजन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मरहबा दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली शेयर व्लॉग। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की डेली लाइफ का डेली व्लॉग। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता है, दोस्तों फ्रेंड्स मेरी जान मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग समझते क्यों नहीं हो कि मैं यार डेली लाइफ के व्लॉग्स बनाता हूँ। कभी कभी जो है ऐसा टाइम आ जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यार आप लोग समझ रहे नहीं है कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्या शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। समझो बात को, मैं फिर से बोल देता हूँ, बार बार बोलता हूँ, मैं सऊदी अरब में एक हाउस ड्राइवर हूँ। गाड़ी चलाते हैं भैया, गाड़ी चलाते हैं हम। तो हमारी लाइफ में जो होता है, जो हम करते हैं, जैसे जो होता है वो मैं आपके साथ बताते रहता हूँ, क्योंकि मैं रहता अकेला हूँ और ना मेरे को यहाँ पे दोस्त वगैरह आते हैं, ना कोई नहीं आते, बस मैं अकेला इंसान क्या करूँ। ठीक है, जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा रूम है, अभी देखो आज क्या हुआ, घर पे पार्टी है, मेरे घर पे नहीं है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पार्टी है, लेकिन सारा काम मेरे को ही निपटाना होता है। आप लोगों को यकीन नहीं आता है ना, तो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। देखो अभी कुछ ऑनलाइन ये 1400 रियाल है, 1400 रियाल, ठीक है, एक सैलरी है, मेरा सामान आ रहा है, अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है तो वो आएगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आज क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आज घर में पार्टी है। वो पार्टी का पूरा जो है टान भांड सब उठा करके मेरे सर पर रख दिया जाता है, भाई तू ऐसे ऐसे करना, ये करना। 4 बजे रात को फजर की नमाज पढ़ के मैं गया मार्केट को हमारे कफील के साथ, वहां से फ्रूट जो भी तरकारी वरकारी लगती है सारा कुछ 500 रियाल में, पूरा पीछे का मेरा जो हाईलुक्स गाड़ी है उसका पीछे पूरा टोटल फुल करके लाए, 500 रियाल के अंदर ही आए। बहुत सस्ता सामान मिलेगा अजीजिया में, 21 नंबर जो रियाद में है, वो लोगों को अच्छे से पता होगा, जहां पे बस स्टैंड है और नेस्टो मार्केट है उसके पीछे साइड में मार्केट है, यहाँ पर होलसेल मार्केट है, तो वहां से बहुत सारा सामान सस्ता मिलता है आपको। बड़े बड़े ट्रालों से आकर के वहां सामान उतारता है, तो वहां से हमने सामान उठा के लाया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खाली किया, उसको ले आकर के किचन में रखा, उसके बाद अभी आके रूम में थोड़ा बैठा हूँ, फिर से एक काम करना है, वो काम निपटा के मैं आपको मिलता हूँ। अभी जो ऑनलाइन जो ऑर्डर किया था वो अभी आएगा थोड़ी देर में, वो क्या है वो भी आप देखना यार, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज मैं, ठीक है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना भाई, ऐसे वैसे वैसे जैसे तैसे, आप जैसे तैसे वैसे ऐसे कमेंट्स करते रहो, मैं अपना ओवर एक्टिंग बताता रहूंगा इंशाल्लाह और बेज़निल्ला। 2 very boring minutes later. आजाओ भाई लोग, आजाओ, अभी टाइम है रोटी खाने का। तो ये मूंग की दाल मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर देखो अभी बकाले से मैं रोटी लेकर के आया हूँ। तो ये जो रोटी है 1 रियाल का रोटी मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोटी खाते हैं। इसके साथ मैं लिया हूँ ये हमदियात, आ जाओ भाई। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे पार्सल वाले का। देखो यहाँ पर बेटी सोई हुई है और यहाँ पर अम्मा सोई हुई है। मैंने इनको सिर्फ एक बार दूध दिया था, तो ये लोग माशाल्लाह यहीं पे मेरे रूम के सामने ही बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये है मोहब्बत, इसको बोलते हैं मोहब्बत भाई। अरे भैया बहुत होगा नहीं, 1400 रियाल का जो पार्सल है वो इतना सा कार्टून है, ये कार्टून इसके अंदर क्या है अभी देखोगे आप। देखो इसके अंदर आया हुआ है ये बकरा मेंढा मालूम है। हेलो ए ओसल ओसल अना शील अतैत फुलूस ए अतैत अतैत। ये भाई अभी देना पड़ेगा किचन में, ठीक है, ये सारा काम होता है अपना। कुछ चिकन भी है मेरे साथ में, चार मुर्गी है, और यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, पीछे आप देख सकते हैं अल जजीरा मतबख में, तो यहाँ डालते हैं अभी ले जाके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर दे दिया है, अभी ऑर्डर का कितना पैसा हुआ आपको पता है? ये भी मैं आपको बता रहा हूँ सब पार्टी का, ये जो सऊदी में लोग ये लोग जो पार्टी करते हैं ना, या पोटी हो रही है पोटी, तो ये जो पोटी में क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगते हैं, मुमकिन मेरे को ज़्यादा नहीं लाना पड़ेगा। अभी मैं जो ऑर्डर दिया हूँ ये एक कामिल पूरा बकरा है, एक बकरा वो बनेगा 2 प्लेट में बड़े, और 4 मुर्गी है वो 1 प्लेट में, तो पूरा टोटल हिसाब हुआ ये चावल का ये पका के देने का 400 रियाल, और 100 रियाल ये गरीबा रखते हैं, गरीबा यानी कि इंश्योरेंस के तौर पे रखते हैं, जो प्लेट ये देते हैं ना वो प्लेट के लिए। तो अभी हो गया है ऑर्डर, दे दिया हूँ, अभी हम आएंगे मगरिब में, मगरिब नहीं रात के 10 बजे, मुमकिन इंशाल्लाह 10 बजे आएंगे। अभी जाना है हमको
मलिक सलमान रोड। चले अकेले ही इंजॉय करेंगे हम व्लॉग में, किसको ले भाई, काम करते हुए कौन आएगी हमारे साथ में। ये है किंग सलमान रोड रियाद में। बहुत बार आपको बता चुका हूँ भाई, मैं रियाद छोड़ के कहाँ जाऊँ, रियाद छोड़ के मैं जाता नहीं हूँ कहीं भी, इसीलिए मैं लोकल में जो भी जहाँ भी घूमता हूँ ना वही बताता रहता हूँ मेरी जान, समझो बात को। अभी देखो मैं किंग सलमान रोड पे आया हूँ, इधर हमारी एक मैडम रहती है तो उसको अभी ले जाना है क्योंकि भाई पार्टी होने वाली है, पार्टी आज पार्टी उनकी होएगी है ना, तो ये तो चलता ही रहता है। चलो मसला कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो फिर मेरे को जाना पड़ा था पांडा मार्केट, जो पांडा मार्केट 24 नंबर सिग्नल पे। तो वहाँ देखो यार कितने माशाल्लाह नए नए यहाँ पे सेब आए हुए थे ताज़ा, लेकिन मैं लिया नहीं हूँ इसी में से, मैं बस बता रहा था आप लोगों को क्योंकि मेरे को कुछ और लेने के लिए जाना था। तो आप वो आगे देख सकते हैं कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदी किया है। अभी पांडा मार्केट में आया हूँ ग्रैप्स के जो लीव्स आते हैं ना, ग्रैप लीव, ये लेने के लिए दो लिया हूँ गुड़ी के भाई। रमज़ान की तैयारी माशाल्लाह चलता रहेगा। शॉपिंग मॉल से यानी पांडे से वर्क एनअप ले लिया है, अभी ब्यूटी पार्लर छोड़ने के लिए जाना है, ऑलरेडी छोड़ दिया, वहाँ से निकल के फिर दूसरे ब्यूटी पार्लर को जाएंगे, ब्यूटी पार्लर ब्यूटी करने के लिए। तो पार्टी हो रही है, पार्टी की तैयारी। गिर ज़्यादा या मुदीर, लाजिम गिर ज़्यादा सा बोला। देखो मैं इसकी बेगम को जो है डराने के लिए आ रहा हूँ तो खुश करता है, ये देखो The next morning. Very good morning. The next morning. तो ये दूसरी मॉर्निंग है भाई, व्लॉग कल से चालू किया था और रात में जो है मैं 10:30 जैसे इनका डिनर का जो खाना होटल में जो ऑर्डर किया था वो लाके दे दिया, उसके बाद सो गया मैं। कम से कम 2 घंटा बाद में नींद लग गया मेरे को, 10-11-12 बजे के टाइम पे नींद लग गया, सो गया। उतना सब कुछ किया मैं लेकिन मेरे लिए ना डिनर का इंतजाम ना कुछ ना किया। ये लोगों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे को, मैं बस भरोसा करके था, नहीं मिला। अभी रात में मैं डिनर वनर कुछ भी नहीं किया ना, सुबह से मैं सही से खाना खाया था, आपने देखा होगा मूंग के दाल के साथ में रोटी खाया था वही। तो अभी मैं होटल को जा रहा हूँ क्योंकि इतना जल्दी मेरे से पकाना अभी होगा नहीं। अब पकाना तो सकता हूँ लेकिन अभी पकाऊंगा नहीं, मैं जाऊँगा होटल से लाऊंगा। भाई भूख बहुत दबा के लग रही है क्योंकि रात में खाना नहीं खा के सोया मैं, क्या बोलते है। चलो वही हमारी केरला वाली होटल, केरला होटल जिंदाबाद चलते है, अभी वहां से लाते है खाना वाना और खाते हैं। भाई क्या लाना है वहाँ जाके सोचते हैं अभी। तो आज का जो नाश्ता है हमारा, नाश्ता होने वाला है ये एरिया में, यहीं कहीं छांव देख करके बैठेंगे। तो भाई ये है वादी नमार, वादी नमार का पानी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ के जो है नाश्ता करेंगे, ये जानी मास बिछा लिया मैंने, ये सारा हमारा खाना बना है। चलो बिस्मिल्लाह। तो भाई ये हमने प्लेट रख लिया यहाँ पे और इसमें हम डालेंगे अभी चटनी, ये केरला वालों की चटनी है, केरला वालों की नहीं, केरला की होटल से लाई हुई है। पानी होता है भाई एकदम सीधा सीधा,
ये है सांबर, सांबर सांबर नहीं सांबर। और यहाँ पर है भाई डोसा, मसाला डोसा। आप लोग बोलोगे भाई आप हाथ नहीं धोते, थोड़ा सा पानी है तो इसी में हम हाथ धो लेते हैं भी। बिस्मिल्ला। क्योंकि भाई ड्राइवर की जो जिंदगी है ना बड़ी कमाल की होती है, वो कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ खाना खाएगा किसी को पता नहीं चलता, इसीलिए जो है ना सब कुछ आदत होना चाहिए। बिस्मिल्ला। डोसा अच्छा बना है भाई। तो भाई सेकंड डे में नाश्ता वास्ता हो गया है। यहाँ पर कितनी अच्छी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही है, जो चुड़िया पुकार रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पे लाइव भी गया था। आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लो, ठीक है। और जो है कुछ टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाया हूँ, जो कि मेरा आईडी का नाम है शाहिर अली 111। तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी सॉन्ग्स वगैरह या कभी कोई अपडेट जो होता है वो डाल देता हूँ। यार ये कीड़ा जो है ना बड़ा परेशान कर रहा होगा। अब आपने तो देखा होगा पहले वो काला वाला कीड़ा यहीं घूम रहा है, देखो वो जा रहा है वो साइड में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और आपके जो भी मन में होता है वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है वीडियो, नए नए लोगों तक वीडियो जा रही है, मेरे को कमेंट से पता चल रहा है कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए, जितना लाइक ज़्यादा करेंगे उतना जो है लोगों तक जाएगा। और देखते हैं लोगों के मन में क्या है, कौन क्या बोलते हैं कमेंट्स में, कौन कैसे कैसे बोलते हैं। आप लोग भी कमेंट चेक कर सकते हैं, जाके कमेंट चेक करो, उसका जवाब भी दे सकते हैं आप, जवाब देना, लेकिन गाली मत लिखना भाई कमेंट में। किसी को भी चाहे वो कुछ भी लिखे उसको गाली से नहीं नवाजना, उसको मोहब्बत से नवाजना गुलाब का फूल दे करके, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा जो है मोहब्बती है और उसको भी मोहब्बत से पेश आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।